वेलकम टू एग्जामपुर, स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, जय हिंद, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग, जुड़ जाइए सेशन के साथ। तो भाई रोज दोपहर 1 बजे शानदार क्लास होती है आप लोगों की डिफेंस के एग्जाम्स के लिए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, ठीक है। तो शानदार तरीके से सेशन की शुरुआत करेंगे, आ जाइए, जुड़ जाइए सेशन के साथ। बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन जो है आपका सेशन होने वाला है, बढ़िया शानदार सी क्लास आपकी होने वाली है। तो जुड़ जाएंगे और सेशन को शेयर जरूर करेंगे आप सभी, ठीक है भाई। कह रहे सारे नए हो क्या, पुराने वाले कोई नहीं दिख रहा, पुराने वाले एप्लीकेशन पे चले जाते हैं, है ना, ऐप पे चले गए तो और नए बच्चे आ जाते हैं। तो सभी नए नए बच्चों का जिनका सपना है फौजी बनने का, उनका हार्दिक अभिनंदन है मेरी क्लास में। रोज आइए, नियमित रूप से आइए, डेली आइए, बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है। हेलो हेलो यदुवंशी गर्ल, धर्मेंद्र राणा हेलो, दीपक सिंह जी हेलो, फनी वीडियो, पहले नाम अपना लिख के आओ, भगवान ने मम्मी पापा ने इतना अच्छा नाम दिया तुम्हें, उस नाम का प्रयोग किया करो। कृष्णा ठाकुर जी को देखो भाई, वाह बहुत अच्छे। बेटा कोचिंग तो ऑनलाइन ही चलती है आपकी, ऑफलाइन सिर्फ आपके फेज टू के लिए बच्चों को बुलाया जा रहा है। तो अगर आप लोगों का अभी एयरफोर्स का फेज वन कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अगर आप रिटर्न एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, तो आप सेकेंड फेज की तैयारी के लिए यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है। बताइए, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। तो देखिए भाई, आप लोगों के लिए शुरुआत से ही कुछ ना कुछ नया करते आए हैं। जब अग्निपथ नहीं आया था तब भी आपके लिए क्लासेस चल रही थी प्रॉपर तरीके से, आपके लिए जो भी हो सकता है पॉसिबल वो चीजें आपके लिए की गई है। अब एक बार फिर से आप सभी के लिए एक नया आगाज हम करने वाले हैं, अग्नि। तो अग्नि फाउंडेशन वॉर फॉर यूनिफॉर्म, तैयार हो जाइए आप सभी, बहुत ही बढ़िया सा एक इवेंट आने वाला है। कब आने वाला है आपका, 30 अगस्त सुबह 11 बजे, ठीक है भाई। तो 30 अगस्त सुबह 11 बजे अग्नि इवेंट में आप सभी जरूर आएंगे। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप सभी YouTube पर जाकर के एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर पर इस इवेंट को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपको बाद में दिखा दूंगी कहां पे आपको शो होगा, एक बार अपना लाइक जरूर कीजिएगा अग्नि, ठीक है। तो अग्नि अपने आप में, अग्नि बताइए, अग्नि बताइए, अग्नि का डिफेंस में क्या रोल है, अग्नि कोई मिसाइल है, कोई शिप है, किसका नाम है अग्नि, आप बताएंगे, बताइएगा अग्नि क्या है। और यहां पर लिखा है अग्निपथ इंडियन आर्मी 2022। आर्मी के साथ साथ आप लोग एयरफोर्स, नेवी, मतलब इस पोस्टर पे तो सिर्फ आर्मी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप सभी कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, चाहे आपका एयरफोर्स का कोर्स हो, चाहे आपका यहाँ पर नेवी का कोर्स हो, या फिर चाहे आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का कोर्स है, या फिर चाहे आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रही हो, आप सभी बैचेस अवेलेबल है। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बहुत ही शानदार सा बैच आपका चला हुआ है, शानदार क्लासेस है। अभी अगर ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल साथ के साथ बढ़िया से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जितना लेट करोगे उतना दिक्कत होगी, ठीक है। तो आप सभी, ठीक है, आप सभी जुड़ जाइए। इसमें आपके लिए इस संडे को एक जूम सेशन भी रखा जाएगा, ठीक है, जीके के लिए। तो संडे में आपका जूम सेशन भी है, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, संडे में जूम सेशन पे बात करने का अवसर आपको मिलेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स आपको मिलते ही है, लाइव क्लास आपकी हमेशा चलती है, ठीक है भाई। डाउट सेशन आपका बता ही दिया, जूम सेशन होगा, और 50% ऑफ है आपका डिफेंस 50 DEFENCE50 कोड का आप इस्तेमाल कीजिएगा, यू विल गेट 50% डिस्काउंट। कोई भी दिक्कत आती है, ये जो नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हैं इन पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। एग्जामपुर एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जामपुर ऐप आपके मोबाइल में होनी चाहिए, चाहे आपने पेड बैच ज्वाइन किया है या नहीं किया है, होनी चाहिए, क्योंकि इसमें यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें मिलती है, क्विज वगैरह भी होती है, बैच की इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी। तो आप प्ले स्टोर में जाकर के एग्जामपुर टाइप कीजिएगा, ऐसा आपको एप्लीकेशन दिखाई देगा, एग्जामपुर सरकारी नौकरी प्रिपरेशन, इस पर आप इंस्टॉल करेंगे, फिर आपको रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के लिए आपको अपने सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने FB पे अकाउंट बनाया था, इंस्टाग्राम पे बनाया, टिकटॉक पे बनाया, वैसे ही अकाउंट बनाना है, ठीक है, वही चीजें होती है, रजिस्टर करने में कुछ अलग नहीं होता। तो आप यहाँ पर एग्जामपुर एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाएंगे इस तरीके से। अब हम करते हैं सेशन की पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत। तो आज भूगोल से संबंधित क्वेश्चंस करने की हम कोशिश करेंगे सारे के सारे। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, जो आपसे पूछा गया है वो आप देख लीजिए, पूछा गया है आपसे, बताइए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, उत्तर दीजिएगा।
नेशनल पार्क ज्योग्राफी का ही पार्ट होता है बेसिकली। तो आपसे पूछा गया है, बताइएगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, उत्तर दीजिए। आप सभी से पूछा जाएगा, बताइएगा भारत का सबसे, इंडिया का सबसे न्यूएस्ट पार्क कौन सा है, भारत का सबसे नया वाला नेशनल पार्क कौन सा है, ये आपसे पूछ सकता है। सबसे नया वाला मतलब जो सबसे न्यूएस्ट बना है, जिसे घोषित किया गया। तो आप बताइएगा 106वां जो है आपका नेशनल पार्क था, नाम बताइए क्या नाम है नेशनल पार्क का। आपसे पूछेगा सबसे अधिक नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो आप सभी क्या आंसर देंगे, सबसे अधिक नेशनल पार्क किस राज्य में आपको मिलेंगे, बताइए आंसर दीजिए क्या आंसर आएगा। बच्चे कह रहे हैं मध्य प्रदेश आ जाएगा, रायमोन आ जाएगा, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आएगा बच्चे, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश, लिख लेंगे आप सभी। क्या आएगा आपका यहाँ पर, मध्य प्रदेश तो होगा आपका, बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। और ये जो है आपका, ये है आपका रायमोना, ठीक है भाई, रायमोना। सबसे अधिक नेशनल पार्क कहाँ पर है आपके, मध्य प्रदेश में है, याद रखेंगे। कहाँ पर है आपके, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नेशनल पार्क आपको मिलेंगे, याद रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कई सारे नेशनल पार्क आपको दिखाने का प्रयास किया गया है, ये मध्य प्रदेश के है। ये रहा आपका इधर पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क आप देख पा रहे होंगे, ये आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये है आपका पेंच नेशनल पार्क, ये आपका बालाघाट आपके फॉरेस्ट रेंज है, ये आपका कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है आपका, संजय नेशनल पार्क है आपका, पन्ना नेशनल पार्क रहा आपका। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ये रहा आपके सारे के सारे नेशनल पार्क यहाँ पर मैप में। अगर हम टोटल बात करेंगे तो आपके कितने नेशनल पार्क आते हैं मध्य प्रदेश में, आप मुझे बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कुल कितने नेशनल पार्क आते हैं, उत्तर दीजिए। सभी आंसर देंगे कितने नेशनल पार्क है आपके मध्य प्रदेश में, 7, 8, 9, 10, 11, बच्चे कह रहे 10 है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर दीजिएगा इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ पर लोकेटेड है, उत्तर दीजिए। सभी आंसर देंगे कि जो कैंसर रिसर्च सेंटर है ये कहाँ पर लोकेटेड है, आंसर दीजिएगा, वेरी गुड। सभी आंसर देंगे कहाँ पर लोकेटेड है, आर्ची आर्या जी सेशन को शेयर कर दीजिए भाई सभी बच्चे, है ना। आप लोगों ने बोला कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के भी क्वेश्चन कराओ, तो आप लोगों के कहने पर ही चीजें होती है यहाँ पर, तो आप लोग सपोर्ट भी किया कीजिए सेशन को। और यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका, देखिएगा अहमदाबाद में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, या फिर आपके चेन्नई में है। तो क्या कहेंगे आप सभी, ये जो है बच्चे आपके मुंबई में है, लिख लीजिएगा कहाँ पर है आपके, मुंबई में है, याद रखेंगे आप सभी, नोट करेंगे। क्या आंसर आएगा आपका, मुंबई जो होगा बिल्कुल सही उत्तर आएगा, लिख लीजिएगा। कौन सी फसलें लैटेराइट मिट्टी के लिए अधिकतर उपयुक्त होती है, बताइएगा, बताएंगे आप सभी। लैटेराइट सोइल के लिए कौन सी फसलें उपयुक्त है आपकी, प्लांटेशन क्रॉप है जैसे टी हो गई, कॉफी हो गया, रबड़ हो गया, कॉटन होती है आपकी, गेहूं या फिर आपके जौ होंगे, तरबूज या फिर आपके खरबूजे, ये होंगे, बताइए। तो क्या होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। मैम कंप्यूटर का कराए, कंप्यूटर भी करेंगे बेटा, कंप्यूटर को पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अच्छे से आपको कराएंगे, बढ़िया से समझा समझा के, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है। और यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, प्लांटेशन लाइक टी कॉफी एंड रबर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। क्या आंसर आ जाएगा आपका, टी कॉफी रबर, इस तरह के प्लांटेशन आप कर सकते हो। और जो बच्चे कह रहे हैं कि कोटर कोटर काली ब्लैक सोयल में होता है, लिख लीजिएगा, ब्लैक सोयल ज्यादा सुटेबल होती है आपके कॉटन के लिए। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया अलग अलग प्रकार के ये जो हिस्से आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इनमें एलुवियल सोयल जो आपको दिखाई पड़ रही होगी, ये जो आपका स्काई ब्लू कलर का जो आपको रीजन दिखाई पड़ रहा है, इसमें आपको कौन सी सोयल मिलेगी, यहाँ पर एलुवियल सोयल आपको मिलेगी, ब्लैक सोयल आपको ये रहा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है भाई, ये थोड़ा सा हिस्सा कर्नाटक का, यहाँ पर आपको ब्लैक सोयल मिलेगी, याद रखेगा। लाल और पीली मिट्टी आपको ये रही, ये जो ऑरेंजिस कलर आपको दिखाई दे रहा है ये रेड एंड येलो के लिए है। फॉरेस्ट और माउंटेन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है फॉरेस्ट और माउंटेन के लिए है। तो ये अलग अलग प्रकार, मतलब भारत के पूरे भारत में एक ही प्रकार की मिट्टी नहीं है, अलग अलग प्रकार की मृदा जो है आपकी पाई जाती है, याद रखिए, ठीक है। अब इसका आंसर दीजिएगा, भारत का पहला रेलवे जोन कौन सा है, उत्तर दीजिए, बताएंगे आप सभी। इंडिया का फर्स्ट रेलवे जोन कौन सा रहा,
ईस्टर्न रेलवे जोन, वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी, साउदर्न यानी कि दक्षिणी, सेंट्रल यानी कि सेंट्रल। तो बताएंगे आप सभी क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताइएगा, फटाफट से आंसर दीजिए, क्या आंसर आएगा। कोई बात नहीं, दिख नहीं रहा तो आपको कौन सा इसमें मैप भरने को आएगा आपके पेपर में, मैंने तो ऐसे लगा दिया थोड़ा सा बताने के लिए आपको, कि आप थोड़ा सा सुनोगे अच्छा लगेगा। यहां पर आंसर आ जाएगा आपका साउदर्न रेलवे जोन, क्या आंसर आ जाएगा बच्चे, साउदर्न रेलवे जोन। बताएंगे आप सभी वर्तमान में रेलवे के मिनिस्टर कौन है, बताइएगा वर्तमान में रेलवे में जो मिनिस्टर है आपके वो कौन है, उत्तर दीजिए। सभी बच्चे आंसर देंगे कौन है, फटाफट से बताइएगा, यहां पर आंसर देंगे आप सभी, क्या होगा आपका राइट आंसर। कौन से भारतीय राज्य नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, असम, उत्तराखंड, मणिपुर, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, मेघालय। तो बताएंगे आप सभी नेपाल के साथ बाउंड्री कौन कौन से बनाते हैं, उत्तर दीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो एक मैप आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये तो दिखाई दे ही रहा होगा, इसमें भी अगर ये चिल्लाओगे नहीं दिख रहा तो फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ, है सेशन को शेयर कर दीजिए सही बच्चे मिलके एक बार। तो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से है, ये है आपका नेपाल यहाँ पर, तो यहां पर पूछा गया है बताइएगा किन किन भारतीय राज्यों के साथ नेपाल जो है अपनी सीमा साझा करता है, उत्तर दीजिए। तो आप क्या आंसर देंगे यहां पर, ये है आपका उत्तराखंड, ये है आपका यूपी, ये है आपका यहाँ पर बिहार, ये है आपका यहाँ पर पश्चिम बंगाल, ये है आपका यहाँ पर सिक्किम। आई बात समझ में, क्या है आपका सिक्किम। तो इस प्रकार से आपका क्या आ जाएगा बच्चे, राइट आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा, ए हो जाएगा ना, है ना भाई। उत्तराखंड से भी बाउंड्री बनाता है, यूपी से भी लगती है, बिहार से भी, सिक्किम से भी, पश्चिम बंगाल से भी। तो क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पर, ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। क्या आंसर आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा, लिखेंगे आप सभी। दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई तो दे रहा होगा, सुनाई तो दे रहा होगा ना, कान तो सही है आपके बिल्कुल, उम्मीद करती हूँ, ठीक है। जिसको दिखाई नहीं दे रहा उसको मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं क्या करूं, अब नहीं दिखाई दे रहा, पढ़ लीजिए शांति से, आजकल की बातों में कुछ नहीं रखा है, सेशन को शेयर करके पढ़ते रहिए, ठीक है। तो यहां पर ए जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा, याद रखेंगे आप सभी। ITCZ का पूर्ण रूप क्या होता है बताइएगा, आपने देखा कि आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक आपसे पूछ लेता बताइएगा SEZ का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है बताइए, आंसर देंगे आप सभी SEZ का क्या फुल फॉर्म होता है, आंसर दीजिए क्या आंसर आएगा। वेरी गुड विपिन, पढ़ ले विपिन भैया, पढ़ ले भैया, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है भाई, क्या लिखेंगे आप सभी, बी हो जाएगा आपका यहां पर राइट आंसर, लिख लीजिएगा। क्या आ जाएगा आपका यहां पर, बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिखेंगे आप सभी। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या आंसर देंगे आप सभी, बी आंसर देंगे, लिख लीजिएगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर। और शेष होता है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे आप कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये फुल फॉर्म्स आपके एग्जाम में आती है यूजुअली, अभी हमने देखा कि आई है आपके एग्जाम्स में, तो ये जो है आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, लिख लीजिएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से किसे अरब सागर की रानी कहा जाता है, उत्तर दीजिएगा। बताएंगे आप सभी कि क्वीन ऑफ द अरेबियन सी किसे कहा जाता है, उत्तर दीजिए। एक आता है आपके पेपर में डेकन क्वीन किसे कहते हैं, उत्तर दीजिए। तो क्या आंसर देंगे आप सभी कि डेकन क्वीन किसे कहते हैं, आंसर दीजिएगा, बताएंगे आप सभी, है ना। क्वीन ऑफ द अरेबियन सी किसे कहते हैं, डेकन क्वीन किसे कहते हैं, आंसर दीजिए फटाफट से, फटाफट से आंसर देंगे क्या आंसर होगा।
पुणे को कहते हैं डेकन क्वीन. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. बहुत अच्छे. तो देखिए बच्चों का लगभग सही आंसर सभी का. यहां पर लिखेंगे आप सभी कोचे को कहा जाता है. लिख लीजिएगा कोचे किस राज्य में आएगा आपका, ये लिख लीजिएगा केरल में. और जो आपका डेकन क्वीन कहा जाता है, ये कहा जाता है पुणे को. किसे कहा जाता है आपके, पुणे को कहा जाता है. लिख लीजिएगा, नोट करेंगे आप सभी. ठीक है भाई, किसे कहा जाता है आपके, पुणे को कहा जाता है. लिख लीजिएगा डेकन क्वीन. ठीक है, जहाज निर्माण यार्ड मजगांव डॉकयार्ड कहां पर है बताइएगा. बताएंगे आप सभी कि मजगांव डॉकयार्ड जो है आपका कहां पर है, उत्तर दीजिए. सभी आंसर देंगे क्या हो जाएगा आपका यहां पर राइट आंसर. फटाफट आंसर दीजिएगा, फटाफट से आंसर देंगे आप सभी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर. बेटा वैकेंसी आएगी तो आपको बता दिया जाएगा, है ना. आप सभी ना अच्छे से आंसर दीजिए. बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पर इस प्रकार के, और ये सेम क्वेश्चन आते हैं, इसमें कुछ चेंज भी नहीं होता अगर पेपर में आएंगे तो. अच्छे से आप पढ़ाई पर ध्यान दिया कीजिए, एक घंटे क्लास में है ना, उसमें थोड़ा सा पढ़ लिया कीजिए, अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी. विशाखापट्टनम कोची कोलकाता मुंबई, तो मजगांव डॉकयार्ड की बात की गई है. क्या होगा आपका राइट आंसर. बहुत अच्छे, तो लिखेंगे आप सभी यहां पर मुंबई जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा. लिख लीजिएगा महाराष्ट्र की राजधानी है बेसिकली मुंबई, आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र. अभी आपके एयरफोर्स के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है, तो याद रखेंगे आप सभी गेटवे ऑफ इंडिया आपसे पूछा गया था कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है, तो गेटवे ऑफ इंडिया आपके मुंबई में आता है. लिख लीजिएगा कहां पर, मुंबई में. विटेट के द्वारा इसे डिजाइन किया गया था, आप सभी जानते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे बनवाया था, मुंबई में. लिख लीजिएगा एक नाथ शिंदे आपके मुख्यमंत्री है, कोश्यारी आपके राज्यपाल है. बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं बहुत अच्छे, तो ये जो चीजें आप लोग याद रखोगे. कोलकाता, कोलकाता किस नदी के किनारे पर है, हुगली नदी के किनारे पर है. लिख लीजिएगा कोलकाता एक पोर्ट भी है अगर आप लोगों को पता हो, है कि नहीं है जल्दी से बताइए, है कि नहीं है. एक रिवरेन पोर्ट है आपका, नदी बंदरगाह है, आप सभी जानते हैं नदी बंदरगाह भी है. लिख लीजिएगा विशाखापट्टनम भी एक पोर्ट है आपका, आंध्र प्रदेश में आता है, आप सभी जानते हैं. और कोची अभी हमने पढ़ाई था, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी है आपका इंडिया में. लिख लीजिए वेम्बनाड झील वन मतलब लॉन्गेस्ट झील है आपकी, लंबी झील है आपकी भारत की. और किस राज्य की सबसे बड़ी झील है ये आपको बताना है. लॉन्गेस्ट झील ऑफ इंडिया एंड लार्जेस्ट झील ऑफ विच स्टेट, मतलब लार्जेस्ट आपकी लेक है किस स्टेट की है ये आपको बताना है. उत्तर दीजिएगा, तो क्या आंसर देना पसंद करेंगे, केरल की है, उड़ीसा की है, असम की है, या फिर आपके सिक्किम की है. यहां पर मुख्यमंत्री राज्यपाल का नाम आप बताएंगे, है ना, बताइएगा क्या होगा आपका राइट आंसर. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ममता बनर्जी सीएम. वेरी गुड, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार. बहुत अच्छे बच्चे कह रहे हैं ए आंसर आ जाएगा, ए ए ए. मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम बताइएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पर केरला. केरला में आप सभी जानते हैं दो क्लासिकल डांस परफॉर्म किए जाते हैं जिनके नाम क्या क्या हैं बच्चे याद रखेंगे आप सभी. एक होता है आपका मोहिनीअट्टम और एक होता है आपका यहाँ पर कथकली. क्या होता है, कथकली. दोनों ही कहाँ पर किए जाते हैं आपके, केरल में किए जाते हैं. लिख लीजिएगा केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन. आरिफ मोहम्मद खान आपके राज्यपाल आ जाएंगे. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, लिख लेंगे आप सभी, नोट कीजिएगा. सियाचिन ग्लेशियर इनमें से किस घाटी के पास में है बताइएगा, बताएंगे आप सभी. सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी के पास में है, सपना है आप सभी का सियाचिन ग्लेशियर पे जाने का, है कि नहीं है. वहीं पर जाकर के देश की रक्षा करने का, युद्ध लड़ने का किस किस का सपना. कल मैंने पूछा था बच्चों से आप क्यों आर्मी या फिर आप क्यों डिफेंस के किसी भी विंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, बच्चों ने अच्छे अच्छे जवाब दिए, कुछ बहुत फनी भी थे, कुछ बहुत अच्छे भी थे, एकदम देशभक्ति की भावना को जगाने वाले टाइप. ठीक है, तो अच्छा लगा देख के. अब आंसर दीजिए, अगर आपको साइलेंट वैली कह रही हूँ, अगर आपको यहाँ पर जाना है सियाचिन ग्लेशियर तो किस घाटी के पास में है, उत्तर दीजिएगा. एक बार
सभी फौजी भैया मिलकर सेशन को शेयर कर देंगे, सभी मिलकर शेयर कर दीजिए। नुब्रा वैली, दून वैली, साइलेंट वैली, नीलम वैली, क्या आंसर देंगे आप सभी बताइएगा, उत्तर दीजिए, क्या आंसर देना पसंद करेंगे यहां पर। तो याद रखिए यहां पे आपका आंसर आएगा नुब्रा वैली। क्या आंसर आ जाएगा बच्चे? नुब्रा वैली जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा। आप देख सकते हो ये आपका सियाचिन ग्लेशियर और ये रही आपकी नुब्रा वैली। ठीक है, शायद आपको दिखाई पड़ रही हो, मैंने हाईलाइट कर दिया, फिर भी आप मान लीजिए कि यहीं पर है। ठीक है, ये है आपकी नुब्रा वैली, लिखेंगे आप सभी, नोट कीजिएगा। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर किसके? भारत और पाकिस्तान। कल भी मैंने कराया था अच्छे से आपको, तो याद रखिएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है बताइएगा। ये क्वेश्चन अभी एयरफोर्स के पेपर में पूछा गया है। अभी जो आपका एयरफोर्स का पेपर हुआ था अग्निपथ योजना के तहत, इस पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बताइएगा क्या होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। जल्दी से आंसर दीजिएगा, सभी आंसर देंगे, क्या आंसर आएगा आपका? बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपसे सेम क्वेश्चन पूछा गया, सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड। कल कौन सा टॉपिक पढ़ना पसंद करोगे बताइए, कल कौन सा टॉपिक पढ़ना पसंद करेंगे आप मुझसे? तो बच्चे कह रहे सी आ जाएगा मैम, ग्रीनलैंड आ जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल सही उत्तर है, लिख लीजिएगा। ठीक है, ग्रीनलैंड जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा। सेशेल्स की जो राजधानी है वो क्या होती है आपकी? विक्टोरिया होती है, याद रखिएगा, और इसकी करेंसी रुपीज होती है। फिनलैंड की हेलसिंकी होती है। 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। मालदीव की राजधानी माले है और करेंसी आप बताइएगा क्या होती है मालदीव की? तो ये आप देख सकते हैं डेनमार्क, ग्रीनलैंड आपको दिखाई दे रहा होगा। दिस इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, आइलैंड की बात की गई थी, याद रखिएगा आप सभी। क्या जाएगा आपका? ग्रीनलैंड जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा, लिखेंगे आप सभी। दिसंबर महीने में आपको सबसे ज्यादा धूप किस जगह पर मिलेगी बताइए। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि महीना है दिसंबर का, ठीक है भाई, महीना है दिसंबर का, सबसे अधिक धूप दिसंबर में कहां पर मिलेगी, उत्तर दीजिए। तो क्या आंसर देंगे आप सभी? सबसे अधिक धूप दिसंबर के महीने में कहां पर मिलेगी बताइएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कंप्यूटर कराया जाए, कंप्यूटर करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखो जहां पर जो आपकी सनरेज होती हैं वो वर्टिकली अगर गिरती हैं, कैसे गिरती हैं आपके वर्टिकली, तो जो है आपका मैक्सिमम होगी यहां पर, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आंसर आपका आना चाहिए, जल्दी से आंसर दीजिएगा। है ना, तो देखो बेसिकली यहाँ पर कन्याकुमारी आना चाहिए आंसर, क्या आना चाहिए? कन्याकुमारी, है ना। बच्चे कह रहे हैं मैम ले में आ जाएगी, वाह क्या बात है, है ना। यहाँ पे जो आपका आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? कन्याकुमारी। सबसे अधिक अगर धूप कहीं पर आएगी तो वो कहाँ पर आएगी आपकी? कन्याकुमारी में आएगी, लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है, अब पता नहीं कैसे नहीं दिया है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए बच्चे? कन्याकुमारी जो है आपका आंसर आना चाहिए, याद रखिए। क्या आएगा आपका? कन्याकुमारी आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कन्याकुमारी आएगा बेटा, आप कन्याकुमारी लिख लीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, कोलकाता की जगह पर यहां पर कन्याकुमारी आएगा, लिख लीजिएगा कन्याकुमारी। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास में पड़ता है, सूरज की जो किरणें हैं इस पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास में पड़ता है, सूरज की किरणें वर्टिकली पड़ती है जिसकी वजह से। ठीक है, याद रखिएगा। काली मिट्टी इनमें नहीं पाई जाती है, कहां पर नहीं पाई जाती है ये आपको बताना है, उत्तर दीजिएगा।
तमिलनाडु में नहीं पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। क्या आंसर देंगे आप सभी, जल्दी से आंसर दीजिएगा। अगर इन ऑप्शंस में से आंसर देना होगा तो आप क्या आंसर देंगे? अगर इन चारों में से बात करेंगे तो चेन्नई में अधिक पड़ेगी, है ना। अगर इन चारों की बात करेंगे चेन्नई में, तमिलनाडु और आपका पास में पड़ेगा ना, तो ये आपका साउथ में है, तो यहाँ पर चेन्नई आंसर देंगे आप। अदरवाइज सबसे अधिक अगर पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा तो कन्याकुमारी होता है, याद रखिए। आई होप अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब बताएंगे ब्लैक सॉयल यानी कि काली मिट्टी कहां पर नहीं पाई जाती है, उत्तर दीजिएगा। क्या आंसर देंगे आप सभी, आंसर दीजिए फटाफट से, ब्लैक सॉयल कहां पर नहीं पाई जाती है, उत्तर दीजिएगा। काली मिट्टी तो देखेंगे आप सभी, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में या फिर आपके आंध्र प्रदेश में नहीं पाई जाती है। तो आपको मैंने एक मैप दिखाया था क्लास के शुरुआत में ही, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से इस मैप को ऑब्जर्व किया होगा, मैंने कहा था कि ये जो पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो पार्ट है आपका, ये 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 है ना, जो थोड़ा ग्रेइश कलर का है, ये आपको काली मिट्टी वाला रीजन है। तो क्या वेस्ट बंगाल में ऐसा हिस्सा है? जी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, वेस्ट बंगाल में एलोवियल सोयल और आपके रेड और येलो सोयल पाई जाती है, ब्लैक सोयल पश्चिम बंगाल में आपको नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। कहां पर नहीं मिलेगी बच्चे? पश्चिम बंगाल में। तो क्या आंसर आएगा आपका यहां पर? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा, लिख लीजिएगा। क्या आंसर आएगा आपका यहां पर? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या होती है आपकी? कोलकाता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा कोलकाता। यहाँ पर एक सबसे बड़ा डेल्टा आपको मिलेगा जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, तो लिख लेंगे आप सभी। सबसे बड़ा डेल्टा है ये आपका सुंदरवन डेल्टा, ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा। और यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है भाई, याद रखेंगे आप सभी, लिख लीजिएगा। कोलर के अलावा सोने की खदानें कहाँ पर है, बताइएगा, बताएंगे आप सभी। कोलर और कहां पर सोने की आपको खदानें मिलेंगी, गोल्ड माइंस आपको कहां पर मिलेंगी, बताएंगे आप सभी, जल्दी से, जल्दी से बताइए सभी बच्चे। बहुत अच्छे, याद बहुत होता है मेरी क्लास में, पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या ही होगा। बच्चे कह रहे कि मैम वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए कर्नाटक में एक स्थान है आपका हुत्ती, तो ये आपके हुत्ती में है, याद रखिएगा, हुत्ती गोल्ड माइंस के नाम से जानी जाती है, हुत्ती गोल्ड माइंस। कहां पर आएगी आपके, किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में है, ये आप याद रखेंगे, कर्नाटक। बहुत ही नाटक है तुम्हारे, ठीक है भाई। भास्वराज बोमई, भास्वराज बोमई, यहां पर क्या आ जाएंगे आपके? मुख्यमंत्री आएंगे, याद रखिएगा। यहाँ की राजधानी है आपकी बेंगलोर, और बेंगलोर को क्या कहा जाता है आप सभी जानते हैं, साइंस सिटी, स्पेस सिटी, सिलिकॉन वैली, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे किसके नाम है आपके? बेंगलोर के हैं, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कर्नाटक के बारे में। यक्षगान एक आर्ट है जो यहाँ पर की जाती है। अंसी नेशनल पार्क, ठीक है भाई, बनेरघट नेशनल पार्क, केदोरमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और आपका बंदीपुर नेशनल पार्क, ये सभी कहां पर मिलेंगे आपको? कर्नाटक में ही मिलेंगे, याद रखिएगा। कहां पर? कर्नाटक में। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, बताइएगा कि क्या कर्नाटक में काली मिट्टी पाई जाती है? क्या आंसर देंगे आप सभी? क्या कर्नाटक में आपको ब्लैक सॉयल मिलेगी? तो आप कहेंगे हाँ जी मिलेगी, कर्नाटक में भी आपको काली मिट्टी मिलेगी, याद रखिएगा, ठीक है भाई। राजस्थान में सबसे अधिक मात्रा या संख्या में क्या होता है, बताइएगा? ऊंट होते हैं, ठीक है भाई, सैंड होती है यानी कि रेत होता है आपका, हवा होती है या फिर सबसे अधिक गर्मी होती है राजस्थान में। क्या आपको राजस्थान में सबसे अधिक मिलने वाला है, बताइए जल्दी से। बताइए क्या आंसर देंगे आप लोग, वेरी गुड। तो राजस्थान कैसा है? रेगिस्तानी है, रेगिस्तानी क्षेत्र है यानी कि रेतीला क्षेत्र है। तो क्या आपको अधिक मिलेगा यहाँ पर? यहाँ पर आपको सैंड अधिक मिलेगी, ठीक है भाई। क्या लिखेंगे आप सभी? सैंड जो आएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर आएगा। भारत के कितने राज्यों में समुद्री तट है, बताइएगा, ठीक है भाई। समुद्री तट यानी कि कोस्टल लाइन आपसे पूछी गई है, बताइए यहाँ पर क्या होगा आपका राइट आंसर, उत्तर दीजिएगा।
तभी आंसर देंगे। तो याद रखिएगा 9 राज्यों में है, कितने राज्यों में, 9 राज्यों में है। आप नाम बताएंगे कौन कौन से राज्य हैं। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है बताइएगा, बताएंगे आप सभी। आगरा किस नदी के तट पर है आंसर दीजिए, आगरा किस नदी के तट पर है। दिल्ली किस नदी के तट पर है, दिल्ली कहां पर है बताएंगे आप सभी। उज्जैन किस नदी के तट पर है, पटना कहां पर है, पटना किस नदी के तट पर है। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है उत्तर दीजिएगा, क्या आंसर देंगे आप सभी सभी क्वेश्चंस का। तो देखेंगे आप सभी यहां पर अयोध्या की बात की गई है, अयोध्या जो आ जाएगा आपका यहां पर, अयोध्या है बच्चे आपका सरयू नदी के तट पर। कौन सी नदी है आपकी, सरयू नदी के किनारे पर है आपका अयोध्या, लिखेंगे आप सभी ए आंसर आएगा। आगरा और दिल्ली दोनों ही आपके यमुना नदी के तट पर है, लिख लीजिएगा। उज्जैन आपका सिप्रा नदी के किनारे पर है, पटना आपका गंगा नदी के किनारे पर है, आप सभी जानते हैं। लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे पर है, और आप सभी जानते हैं यहाँ पर कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे पर है। ये कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं, आपको पता होने चाहिए, तो इनको जो है आप सभी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, भारत के उद्यान शहर के रूप में किस शहर को जाना जाता है बताइएगा, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है आंसर दीजिए, क्या आंसर देंगे आप सभी जल्दी से उत्तर बताइए, जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड, सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे आप सभी, क्या आंसर होगा आंसर बता देंगे आप सभी। तो देखिए बच्चे यहां पर पूछे गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के बारे में, तो मैंने आपको कई दफा बताया कि भाई एक राज्य है आपका कर्नाटक जिसकी राजधानी है यहाँ पर बेंगलोर, ठीक है। बेंगलोर में है आपका इसरो का हेडक्वार्टर, ठीक है भाई, इसरो का, और इसे कहा जाता है आपका साइंस सिटी, स्पेस सिटी, सिलिकॉन वैली और आपका गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है आपका, बेंगलुरु आंसर है, लिख लीजिएगा। क्या आंसर होगा आपका, बेंगलुरु आंसर आ जाएगा, लिखेंगे आप सभी, नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसरो का हेडक्वार्टर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर भी कहां पर है आपके, बेंगलुरु में ही है, याद रखेंगे आप सभी, ठीक है भाई, लिख लीजिएगा। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर, बेंगलुरु जो होगा आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इनमें से कौन सा फल राष्ट्रीय फल है बताइएगा, इजी क्वेश्चन हो गया, कुछ ज्यादा इजी हो गया, बताएंगे आप सभी कौन सा फल राष्ट्रीय फल है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है ये आप बताएंगे, राष्ट्रीय फल का साइंटिफिक नेम क्या है ये बताइएगा। जो आपका यहाँ पर पशु है राष्ट्रीय पशु, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, राष्ट्रीय पक्षी का साइंटिफिक नेम क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष का साइंटिफिक नेम क्या है, और राष्ट्रीय क्या रह गया यहाँ पर, फूल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, उत्तर दीजिए। इन सभी के वैज्ञानिक नाम आपको बताने हैं, जैसे कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पर फूल की, तो फूल होता है आपका लोटस का फूल, होता है कि नहीं होता है, तो इसका जो नाम होता है वो क्या होता है आपका, नीलम्बो न्यूसीफेरा, ठीक है भाई, ये जो है आपका साइंटिफिक नेम है आप सभी जानते हैं। और बरगद का पेड़ होता है तो ब्लैंगेसिस करके जो है आपका इसका साइंटिफिक नेम होता है, लिख लीजिएगा। पक्षी है आपका मोर, तो मोर को आप कहते हो पैवोक्रिस्टेटस, क्या कहते हैं आप लोग, मोर को आप लोग कहते हैं पैवोक्रिस्टेटस। पैंथेरा टिग्रिस होता है आपका यहाँ पर, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर बच्चे, आपका एनिमल। और यहाँ पर आम क्या हो जाएगा, मैंगी फेरा इंडिका, क्या हो जाएगा आपका, मैंगी फेरा इंडिका जो होगा बच्चे आपका यहाँ पर आपके नेशनल फ्रूट का साइंटिफिक नेम हो जाएगा, लिख लीजिएगा। नीलम्बो न्यूसीफेरा, पैवोक्रिस्टेटस, मोर को कहते हैं, पिकॉक को कहते हैं, याद रखिए, किसे कहते हैं आप लोग, मोर को, यानी कि पिकॉक को कहा जाता है, याद रखेंगे। क्लियर है बच्चे, बताइए इस क्वेश्चन में कोई डाउट। तो ये क्वेश्चन आपके नेशनल सिंबल से पूछा गया है। एक क्वेश्चन आया था आपका अभी कि इंडिया का जो नेशनल रेप्टाइल एनिमल है वो कौन सा है, ठीक है भाई, रेप्टाइल एनिमल, ये एयरफोर्स के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया जो अभी आपका हुआ था एयरफोर्स अग्निपथ वाला, तो कौन सा होता है आपका, किंग कोबरा होता है, लिख लीजिएगा। क्या जाएगा आपका, किंग कोबरा, लिखेंगे आप सभी। भारत का हेरिटेज एनिमल क्या है, विरासत, नेशनल हेरिटेज एनिमल का नाम बताइए, आप लोग आंसर देंगे कि भारत का जो विरासत पशु है, हेरिटेज एनिमल है,
वो कौन सा है? तो ये है बच्चे आपका एलिफेंट। क्या है आपका? एलिफेंट यानी कि हाथी है, याद रखेंगे आप सभी, लिख लीजिएगा। ठीक है, बताइए क्लियर है आपका, है ना? डॉल्फिन तो आपका जो है जलीय पशु आ जाएगा, है ना? क्या आ जाएगा? भारत का जलीय पशु कौन सा है? ठीक है भाई, तो ये है आपका डॉल्फिन, वेरी गुड, है ना? रिवरेंट डॉल्फिन आ जाएगा, लिख लीजिएगा, गंगा रिवर डॉल्फिन। तो ये आपको कुछ है जो इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, आपके पेपर में आते हैं, लिख लीजिएगा। इनमें से किसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? बताएंगे इनमें से किसे नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर दीजिएगा। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, उत्तर देंगे आप सभी। लाल ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, आप सभी जानते हैं। सबसे छोटे ग्रह का नाम बताइए कौन सा है, आंसर देंगे आप सभी। सबसे छोटा ग्रह जो है बच्चा आपका कौन सा है, उत्तर दीजिए। सभी आंसर देंगे यहां पर, क्या होगा आपका सही उत्तर बताइएगा, तो जल्दी से बताइए। बहुत अच्छे, बुध को कहा जाता है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखेंगे आप सभी यहां पर, अगर हम बात करेंगे रेड प्लेनेट की, ठीक है भाई, लाल ग्रह की, तो ये मंगल को कहा जाता है, याद रखिएगा। क्यों कहा जाता है? वाई क्यों कहा जाता है, ये आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या रीजन देंगे उसमें? अगर मैं ही आपसे पूछ लो सिंपल कि बच्चों बताओ लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, क्या आंसर देंगे आप सभी, जल्दी से बताइए। बहुत अच्छे, पृथ्वी आपका नीला, छोटा बुध, बड़ा बृहस्पति, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर तो बड़े अच्छे देते हो। आठ ग्रह है आपके, और जो एक बोना ग्रह है जिसको आप प्लूटो कहते हैं, आप लोगों को पता ही है यहाँ पर, ठीक है भाई, लिख लीजिएगा आप सभी। तो क्या आंसर देंगे आप सभी, क्या किसकी वजह से होता है लाल, क्यों कहा जाता है? फॉस्फोरस की वजह से, अच्छा, मिट्टी लाल है, ओ माई गॉड। आयरन ऑक्साइड लिखा है किसी ने, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, लिख लीजिएगा, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताइएगा, कौन सी पूछी आपसे? दक्षिण भारत की पूछी, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी गई है, बताइए, हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। डोडा बेटा पीक है आपकी, अनाई मुड़ी है, अमरकंटक है, या फिर आपकी महेंद्र गिरी है, बताइएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है आपकी, आपसे पूछा जाता है, बताइएगा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अरावली पर्वत श्रृंखला की, तो क्या आंसर देंगे आप सभी, उत्तर दीजिएगा, कौन सी आ जाएगी? तो आप कहेंगे गुरु शिखर, ठीक है भाई, क्या कहेंगे आप सभी? गुरु शिखर कहेंगे, और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? अनाई मुड़ी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लीजिएगा, क्या आंसर आ जाएगा आपका? अनाई मुड़ी जो होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आएगा, लिखेंगे आप सभी, ठीक है भाई। जो आपका नीलगिरी है, नीलगिरी सुना होगा आप सभी ने, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है आपका, जहां पर पश्चिम और पूर्वी घाट मिलते हैं, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, वहां पर जो पीक है आपकी वो कौन सी है? डोडा बेटा पीक आती है, याद रखिएगा, कौन सी पीक आती है आपकी? डोडा बेटा पीक आती है, याद रखेंगे आप सभी। पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में कौन सा धातु मिलेगा आपको? कॉपर मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा, या फिर आपका लेड मिलेगा, या फिर आपका यहाँ पर आपको जिंक मिलेगा, बताएंगे आप सभी कौन सा आपको, ठीक है भाई, प्रचुर मात्रा में मिलने वाला है, बताइएगा, सभी आंसर देंगे यहाँ पर, क्या होगा आपका यहाँ पर सही उत्तर? सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बताइए, मैंने कहा प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट, ऑब्वियसली मैंने यही बोला कि प्लूटो एक प्लैनेट नहीं है, वो एक ड्वार्फ प्लैनेट में आता है, बोने ग्रह में आता है, ठीक है। तो इसमें क्या आफत आ गई आप लोगों को बताइए? एक बच्चा कह रहा है कि कॉपर बहुत अधिक मात्रा में है, अच्छा, एक कह रहा है जिंक अधिक मात्रा में। हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में क्या चीज आपको सबसे अधिक मिलेगी, बताइए? कार्बन अधिक मिलेगा, हाइड्रोजन अधिक मिलेगा, या फिर क्या अधिक मिलेगा, आप बताएंगे? कुछ बच्चे कह रहे हैं आई थिंक बी आंसर आएगा,
तो थिंक में क्यों जवाब देते हो, कंफर्म होकर जवाब दिया करो। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एल्यूमिनियम। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? एल्यूमिनियम जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। बताइए आप सभी, ह्यूमन बॉडी में, हमारे मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे अधिक होता है? बच्चे कह रहे कार्बन अधिक होता है हमारे शरीर में। भाई वाह क्या बात है, हाइड्रोजन लिखा है किसी ने, बहुत अच्छे। हाइड्रोजन एल्यूमिनियम कॉपर H2O अधिक होता है, वाटर अधिक होता है हमारे शरीर में। अच्छा, हमारे बॉडी की कंपोजिशन में H2O अधिक होता है ना, क्या बात है। व्हाट आंसर? याद रखिए हमारे शरीर में सबसे अधिक जो आपको मिलेगा वो ऑक्सीजन मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो है आपके बॉडी में सबसे अधिक होता है, अगर आप बात करेंगे यहां पर ऑक्सीजन होता है आपका सबसे अधिक, और सबसे कम आपको क्या मिलेगा बेसिकली यहां पर? कार्बन, जो आपका जो है नाइट्रोजन, ठीक है भाई। ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करेंगे, एटमोस्फियर की बात करेंगे, पर्यावरण की, तो नाइट्रोजन आपको सबसे अधिक मिलेगी, है ना, नाइट्रोजन। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, शरीर में ऑक्सीजन अधिक होती है, याद रखेंगे आप सभी, ठीक है। भारत में अब किस स्थान को सफेद पानी के नाम से भी जाना जाता है? बताएंगे आप सभी, व्हाइट वॉटर के नाम से भी जाना जाता है, इनमें से किसे जाना जाता है? सियाचिन को, लद्दाख को, कारगिल को, या फिर आपका लेह को? बताइएगा, व्हाइट वॉटर के नाम से भी जाना जाता है, किस स्थान को जाना जाता है? बताएंगे आप सभी, उत्तर दीजिएगा, क्या होगा आपका यहां पर राइट आंसर, फटाफट आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। मैडम मैंने गैसेस के कंपोजिशन की बात की है, तभी मैंने इसलिए बोला था पहले कि कार्बन अधिक होता है या फिर कोई और गैस अधिक होती है, तो आप वैसे मत लेके जाइएगा कि बॉडी के कंपोजिशन में। तुम बोलोगे कि मैम फिर तो ब्लड होता ही नहीं है, क्योंकि तो आपने तो कंपोजिशन का बात बोला, ठीक है। तो यहां पर आप आंसर दीजिए, अब क्या आंसर हो जाएगा, फटाफट से जल्दी से बताइए। बच्चे कह रहे मैम सियाचिन आंसर आएगा, नुब्रा वैली के पास में है, नुब्रा घाटी के पास में लोकेटेड सियाचिन ग्लेशियर जो होगा आपका यहाँ पर, बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। क्या आंसर आ जाएगा बच्चे आपका यहाँ पर? सियाचिन ग्लेशियर जो होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आएगा, लिखेंगे आप सभी। केरल के समुद्र तट की जो रेत है वो समृद्ध है किसमें? मतलब आपसे ये पूछा गया है कि जो केरल राज्य है, केरल का जो समुद्री तट है, ठीक है भाई, जो आपका यहाँ पर बीच सैंड होती है केरल की, इसमें क्या चीज अधिक पाई जाती है? कैल्शियम अधिक होता है, थोरियम अधिक होता है, मैग्नीज होता है, या फिर आपका रेडियम होता है? बताइए आप सभी, क्या आपको यहाँ पर अधिक मिलेगा? उत्तर दीजिए, सभी बच्चे आंसर देंगे। केरल के बीच में सबसे बड़ा तट कौन सा है? मैराइन, है ना, सुना होगा आप लोगों ने, मरीन भी कहते हैं आप लोग। बताइएगा भारत का सबसे बड़ा तट कौन सा है? उत्तर दीजिएगा, चेन्नई में है, आंसर देंगे आप सभी, कौन सा है? उत्तर दीजिए। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और यहां पर आपको याद रखेंगे आप सभी, साइलेंट वैली भी यहीं पर, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है आपका, यहीं पर मिलेगा, ठीक है, याद रखिए आप सभी। अब आंसर दीजिए, इसका क्या आंसर होगा? याद रखिए अग्नि इवेंट आने वाला 30 अगस्त सुबह 11 बजे, सारे के सारे बच्चे जरूर आएंगे, और डेली क्लास चलती है दोपहर 1 बजे, रोज जरूर आया करो आप लोग। बच्चे कह रहे मैम थोरियम आंसर आएगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, लिख लीजिएगा। थोरियम आपको अधिक मात्रा में मिलेगा केरला के बीच के सैंड में, याद रखिए, ठीक है भाई, थोरियम अधिक मिलेगा। कुछ बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ पर सभी अपनी कॉपी में आंसर को सही करके थोरियम लिख लेंगे, थोरियम आपको अधिक पाया जाता है, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बताइएगा, व्हाट इज अ स्टडी ऑफ सोयल इन देयर नेचुरल एनवायरमेंट कोल्ड? बताएंगे आप सभी, पेडोलॉजी क्या होती है, जियोलॉजी क्या होती है, जियोमोर्फोलॉजी क्या होती है, और बताएंगे आप सभी पैलेंटोलॉजी क्या होती है? हमें नहीं पता भैया क्या होती है, आप बताइए क्या होती है, बताइए, सभी आंसर देंगे, क्या कहा जाता है जल्दी जल्दी से, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, जल्दी से आंसर दीजिए, क्या कहा जाता है?
अः अरे वाह पूजा मैडम, 20 अगस्त को है भैया। अरे 30 अगस्त को है, 30 अगस्त को है भाई, क्या बात कर रहे हो, 30 अगस्त को है। ठीक है 30 अगस्त, परेशान मत हुआ करो, परेशान मत हुआ करो, गलत थोड़ी ना बताऊंगी तुम्हें मैं। बच्चे कह रहे मैम पेडोलॉजी होता है, ए लिख दीजिए, हमारा आंसर ए आ जाएगा। तो जियोलॉजी क्या होता है, जियो का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियोलॉजी बताइए आप सभी। जियोलॉजी किसके अध्ययन को कहेंगे आप सभी? ठीक है, तो जब आप अर्थ की स्टडी करते हो, अर्थ का डायनेमिक नेचर कैसा है, साइंस ऑफ मतलब अर्थ साइंस की स्टडी करना आपका जियोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। भू आकृति विज्ञान अपने आप समझ जाएंगे क्या है। एक रह गया आपका पैलेंटोलॉजी क्या कहलाता है, बताइए आप सभी क्या 30 अगस्त को है? हां जी बिल्कुल 30 अगस्त को है, अभी बताएंगे क्या है आपका 30 अगस्त को, एक बार कंफर्म कर लो भैया। कोई बच्चे कह रहे 20 अगस्त को है, चक्कर क्या है? ठीक है 30 को ही है। ये होता है आपका जो आपका जियोलॉजिकल पास्ट है उसके बारे में अध्ययन करना। तो यहां पर आंसर क्या आएगा आपका, पीडोलॉजी आ जाएगा, लिख लीजिएगा पीडोलॉजी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर। कल मैंने आपको बताया था, कई सारे पॉइंट्स बताए थे, एंटोमोलॉजी क्या होती है, मोर्फोलॉजी क्या होती है, जूलॉजी क्या होती है, बोटनी क्या होती है, ये आपके पेपर में आती है, आपसे पूछी जाती है, आपको पता होनी चाहिए कि इन्हें आप क्या कहते हैं। आई बात समझ में, अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए। तो यहां पर अगर आपसे पूछ ले भी अर्थ के बारे में कि अर्थ में सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलेगा, अब बता दीजिए, अब तो आप सही बताएंगे, अर्थ की कंपोजिशन में सबसे अधिक मात्रा में आपको क्या दिखाई देगा, उत्तर दीजिएगा। सभी बच्चे आंसर देंगे और आप सभी के लिए यहां पर देख लीजिएगा, 30 अगस्त सुबह 11 बजे वॉर फॉर यूनिफॉर्म आने वाला है, सभी इसमें जरूर आएंगे, इवेंट में बहुत ही शानदार इवेंट होगा, जाकर के एक बार अपना यहां पर लाइक कर दीजिएगा आप लोग। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अग्नि इवेंट आने वाला है बेटा 30 अगस्त को, आपके एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड एनडीए आर्मी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही स्पेशल इवेंट होगा, तो सभी बच्चे यहां पर जरूर आएंगे इस वाले इवेंट में आपकी पूरी डिफेंस की टीम के साथ। ठीक है भाई, इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने रणभूमि बैच नहीं ज्वाइन किया है तो आप सभी रणभूमि बैच को ज्वाइन कर लीजिए। रणभूमि बैच में आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है भाई, और सारे के सारे कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं, एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड आर्मी डिफेंस मतलब एनडीए, जिस भी तरीके से आप देश की सेवा करना चाहते हो आप सभी के लिए सारे के सारे क्लासेस यहां पर अवेलेबल हैं। मैम सीआईएसएफ फोर्स के लिए क्या कराओगे क्या? बिल्कुल वंश शर्मा जी, आप ये क्लास में देख सकते हो, बाकी देखेंगे जो भी पॉसिबल होगा, सारे एग्जाम्स की क्लास आपके चलते चलती रहेंगे। सेशन कैसा लगा ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके एक बार बता दीजिए, क्लास कैसी लगी आपको जल्दी से बताइए। 30 अगस्त सुबह 11 बजे से है जो अग्नि इवेंट आएगा, वो 30 अगस्त सुबह 11 बजे से आएगा, याद रखिए। ठीक है भाई, 30 अगस्त सुबह 11 बजे से। तो क्या छुट्टी हो गया? हां जी बिल्कुल छुट्टी हो गया, कल भी आइएगा, एक बार कमेंट करके बता दीजिए कैसे लगी क्लास। रोज सुबह 6 बजे से आपकी क्लासेस शुरू होती है, तो आप लोग 6 बजे से सारी क्लासेस ज्वाइन कीजिए। सिलेक्शन तभी होगा जब हर सब्जेक्ट में अपने जी जान डालोगे, सिर्फ एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिए। मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। Thank you.